हेलो फ्रेंड्स, मैं समर समर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 500 स्मार्ट पावर बैंक, जो कि आपको काफ़ी काम आने वाला है और आपको कई जगह ये बेनिफिट देगा। तो चलिए दोस्तों, इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं। तो पहला फीचर है फ्रेंड्स कि 4 वोल्ट आउटपुट देगा आपको। सेकेंड फीचर है एमरजेंसी लाइट। दोस्तों, 5 फीचर्स में डाले गए हैं, 5 आपको काफ़ी बेनिफिट देंगे और आपको काम आने वाले हैं डेली लाइफ में। तो थर्ड लाइन हो गया फ्रेंड्स, आपको उसके बैटरी लेवल इंडिकेटर, जो कि आपको शो करेगा कितनी बैटरी इसके अंदर लेफ्ट है और आपकी चार्ज की जरूरत है या नहीं। फोर्थ है फ्रेंड्स एडजस्टेबल फैन, आप इस फैन को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। या एमरजेंसी लाइट जिस पर लग रही है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, यानी कि फैन एमरजेंसी लाइट एडजस्टेबल है। 5 फ्रेंड आप इसे पावर बैंक की तरह यूज़ कर सकते हो और फ्रेंड्स आप इसे रिचार्ज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं किस तरह से बनाया गया है ये समर एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ मैंने एक MDF बोर्ड ले लिया है जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ, और इन्वर्टर एडजस्ट फैन है जो कि 40 रुपीज़ का आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो में सब बताया है, अगर आप वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आप डेफिनेटली बना पाओगे इसे और आप इसे आसानी से यूज़ भी कर पाओगे और आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो आप जान चुके फ्रेंड्स, बिल्कुल एडजस्ट फैन की साइज का ही मैंने ये पावर बैंक बनाया है, जो कि मैं इसमें सारे फीचर डालूंगा 5 के 5। ये मैंने कुछ यहाँ पर डायमेंशन लिख दी है, आप अपने हिसाब से जैसा आपको सूटेबल हो इसके हिसाब से डायमेंशन कर सकते हैं। एस्पेस्ट स्विच ले लिया है, मेल फीमेल पोर्ट ले लिया है। दोस्तों, जरूरी नहीं आपको ये फीमेल पोर्ट मिले, आप दूसरा कोई मोबाइल का हो या कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपके लोकल एरिया में मिले। तो इस जगह फिलहाल फिट कर रहा हूँ, अब इसको मैं SP ST स्विच जो है इन्हें भी यहाँ फिट कर दूंगा, क्योंकि जगह कम है तो मैं इस जगह इन्हें तीनों को एक साथ फिट कर दूंगा। अब कुछ इस तरह का एक स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि चार्जिंग अभी से करेंगे तो इसके अंदर एक चार्जिंग LED की जरूरत होगी। तो यहाँ मैंने 5 MK LED या 1K का रेजिस्टेंस ले लिया है, क्योंकि मुझे 12 वोल्ट से 3 वोल्ट की LED जलानी है, तो 1K का रेजिस्टेंस यहाँ काम करेगा 1/4 वाट में। इस तरह से दोस्तों, अब मुझे बैटरी लेवल इंडिकेटर बनाना है, तो उसके साथ के लिए 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर छोड़ दूंगा, बाकी 2-2 सेंटीमीटर की मैं डायमेंशन ले लूँगा, मार्क कर लूँगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने यहाँ होल कर लिए हैं, यहाँ मैंने कुछ LEDs ले ली हैं, आप अपने हिसाब से सेम कलर के कोई भी अलग कलर की LEDs ले सकते हो। ये 1K का रेजिस्टेंस है 1/4 वाट में। तो फ्रेंड्स, खाली कलर दिखाने के लिए तो यह है कि इससे कि हमें पता लग जाए, बाकी कलर की जरूरत नहीं है, आप कोई सा भी एक कलर भी सेम लगा सकते हो बैटरी लेवल इंडिकेटर पे, और आप उस पर लिख सकते हो 25%, 50%, 75% या 100%। अब आप देखिए कनेक्शन यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से आपको फ्रेंड्स ये सीरीज में कनेक्ट करनी है। बड़े लैग और छोटे लैग को एक जगह कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि LED में एक बड़ी एक छोटी लैग होती है। तो ये बड़े लैग को मैं मोड़ देता हूँ और एक छोटे लैग और बड़े लैग को इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर लेनी है। अभी आप वीडियो देखते रहोगे तो आप डेफिनेटली समझ जाओगे, वीडियो देखना आपका काम है, समझाना मेरा काम है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने लैग को कनेक्ट कर दिया है, और मैं यहाँ एक्स्ट्रा कट कर दूंगा और जो सोल्डिंग आयरन है उससे सोल्डिंग कर दूंगा यहाँ पर। तो देखिए प्लस है, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, ये नेगेटिव है। इस तरीके से मैंने LED को कनेक्ट किया है, जो कि LED के वायर हैं, अब ये यानी कि सीरीज में कनेक्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने सोल्डिंग कर दूँ जिससे कि हिले नहीं और हमारी ये फिट हो जाए। यहाँ मैं 1K का रेजिस्टेंस यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं जो बैटरी का जो LED का पॉजिटिव उससे मैंने कनेक्ट कर दिया है, इसी तरीके मैंने सेकेंड में कनेक्ट कर दिया है। फ्रेंड्स 4 LED हैं तो 4 आपको 1K का रेजिस्टेंस लगेगा, 5 है तो आपको 5 लगेगा 1K का रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग कनेक्ट कर दिए हैं, आप इस तरीके से देख सकते हो, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, आप इजीली कर लोगे अगर आप यूट्यूब कंप्लीट देखोगे। आप इस तरीके से देख पा रहे हो ये सामने रेजिस्टेंस है, और आपस में लेकर इनके कनेक्ट कर देंगे। जितनी भी रेजिस्टेंस है इनके हमें लेग आगे कनेक्ट कर देनी है। फ्रेंड्स रेजिस्टेंस का कोई माइनस प्लस नहीं होता, रेजिस्टेंस को किधर से भी कनेक्ट कर सकते हो, और एक्स्ट्रा पिन की कनेक्ट यहाँ से कट कर देंगे, और एक पॉजिटिव के लिए अलग से एक वायर कनेक्ट कर देंगे। अब फ्रेंड्स ये नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ हमें 12 वोल्ट DC देने हैं, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिए हैं LED के साथ, जो कि जॉइंट लगा था उस जगह हमने कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ नेगेटिव है और दूसरी साइड जो रेजिस्टेंस का साइड है वो हमें पॉजिटिव देना है। हमें यहाँ कुछ नहीं करना, आप सीधा 12 वोल्ट जो हमने बैटरी बनाएंगे इसमें लगाएंगे, वो सीधा आपको 12 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, वो भी स्विच से। तो लगभग दोस्तों ये बॉक्स कुछ ऐसा बना है फिट होने के बाद, और आप अपने हिसाब से बना सकते हो जो भी आपको सूटेबल लगे। यहाँ दोस्तों मैं लैपटॉप की बैटरी यूज़ करने वाला हूँ, जो कि 18650 का नंबर होता है, और आपके थोड़ा सा होल दिखाई दे रहा होगा, छोटे छोटे छेद, ये पॉजिटिव कहलाता है, और जो नीचे इसका सरफेस प्लेन होती है, इसकी बॉटम में आपको दिखाऊंगा अभी, ये इसका माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से दोस्तों एक मैंने कुछ बोर्ड ले लिए हैं, उन्हें मैंने थोड़ा फाइल रेती होती है उसे घिस लिया है, और इस पर मैंने सोल्डिंग कर दी, क्योंकि बिना घिसे इस पर सोल्डिंग नहीं होती। अब क्योंकि मुझे 4 वोल्ट आउटपुट भी लेने हैं इस पावर बैंक से, तो उसके लिए मैंने 2 नट वोल्ट का यूज़ किया है, जिससे आप इजीली कनेक्ट कर सको और कोई भी आपको एक्स्ट्रा पिन की जरूरत नहीं पड़े। आप चाहे तो फ्रेंड्स कोई भी सॉकेट लगा सकते हो।
तो मैंने फ्रेंड्स एक पॉजिटिव चार्ज पे यानी कि प्लस पे मैंने एक वायर कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह मैं अब दूसरी सेल की बैटरी पे नेगेटिव पे कनेक्ट कर दूंगा, फिर प्लस पे, फिर नेगेटिव पे। तो इस तरह से ये बैटरी जो है तीनों सीरीज में हो जाएंगी। अभी मैंने फ्रेंड्स लास्ट में डायग्राम भी बताया, आप वो भी देख सकते हो, और इस तरह से पहले आप प्रैक्टिकल देख लीजिए। तो इस तरह से मैंने नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है सेल का, तो यानी कि तीनों सीरीज बन चुकी हैं। और अप्रॉक्स फुल और चार्ज होने के बाद ये 4 वोल्ट के अप्रॉक्स वोल्ट आउटपुट देता है और आपको ये 12 वोल्ट आउटपुट देगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इसको एक जगह कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये अलग अलग ना हो या कहीं भंग ना जाए। तो इन्हें हमें पीवीसी टेप से इन्हें एक जगह बांध लेंगे, जिससे कि ये एक जगह फिट रहे और इधर उधर ना हिले। अब इसी बैटरी दोस्तों हमें 4 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट 12 वोल्ट लेने हैं आउटपुट। तो आप देख पा रहे हो मैंने नेगेटिव पे एक वायर कनेक्ट कर दिया है इस जगह। अभी एक सेल 4 वोल्ट का है, तो एक सेल से मैं सिर्फ 4 वोल्ट लूँगा और 3 सेल जो सीरीज में वहाँ से मैं 12 वोल्ट आउटपुट ले लूँगा। तो आप देख पा रहे हो मैंने एक सेल में कनेक्ट कर दिया है 2 वायर, तो ये फ्रेंड्स 4 वोल्ट आउटपुट निकला हमारा। जहाँ मैंने नेट वोल्ट आपको दिखाया था 2 4 वोल्ट में से लूँगा, तो एक सेल से मैं 4 वोल्ट लूँगा। किसी भी एक सेल में कनेक्ट कर सकते हो, 4 वोल्ट ले सकते हो। अब दोस्तों मैं 12 वोल्ट से आउटपुट लूँगा, तो पॉजिटिव में मैंने 2 वायर लगाए हैं। पहले मैंने जो लगाया था वो निकाल दिया, मैं 2 वायर लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स पॉजिटिव पर 2 वायर लगा रही, क्योंकि 4 वोल्ट जो हम ले रहे हैं उसके लिए पॉजिटिव चाहिए और नेगेटिव चाहिए उसके लिए अलग जगह से। तो देखिए ये हो चुका हमारा 4 वोल्ट आउटपुट। अब एक नेगेटिव चार्ज और लेना है 12 वोल्ट के लिए, तो मैं इससे एक नेगेटिव चार्ज साइड में ले लूँगा, जो कि सीरीज में है तीनों सेल। अब अभी आप समझ जाओगे देखिए इस तरीके से। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये फ्रेंड्स 12 वोल्ट आउटपुट देगा, क्योंकि तीनों सेल सीरीज में है। और जो आप 2 वायर अलग से देख पा रहे हो, ये वायर यानी कि 4 वोल्ट ये आपको आउटपुट देंगे। आप चाहो तो फ्रेंड्स 6 वोल्ट भी ले सकते हो, अपने हिसाब से आप इसे ले सकते हो। मैंने 4 वोल्ट फिलहाल रखा। डबल साइड से इसे चिपका देंगे, जिससे कि इधर उधर हिले नहीं और इसमें एक जगह फिक्स हो जाए। लेकिन दोस्तों फिक्स करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमने 4 वोल्ट के लिए दिया था वहाँ पे पहले हम वायरिंग कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने बताया था ना, जो ये बोल्ट होता है इसे हमने फाइल से रीते से घिसकर इस पर सोल्डिंग कर लिया, और अब ये हमारा सोल्डेबल हो गया है। इस पर हमने वायर शॉर्ट कर लिए, ये 4 वोल्ट हमें आउटपुट देगा। इसी तरीके से आप 2 बैटरी सीरीज मिला कर 6 वोल्ट 7 वोल्ट भी आउटपुट ले सकते हो। तो आपको प्रभात आपको कितने आउटपुट की इसकी ज़रूरत है, तो आप देखिए मैं इस तरीके से जैसे मार ब्राउन जो भी निकल नहीं रहा है, क्योंकि डबल साइड काफ़ी हैवी होती है। अब फ्रेंड्स नेगेटिव चार्ज है जो कि 12 वोल्ट का है, मैं इसे बैटरी लेवल इंडिकेटर पर नेगेटिव जाकर लगा रहा हूँ। ठीक, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ मैं जो बैटरी लेवल इंडिकेटर है उसको डायरेक्ट बैटरी से 12 वोल्ट दे रहा हूँ, क्योंकि ये बैटरी लेवल इंडिकेटर बताया हमारी बैटरी कितनी चार्ज है। और यहाँ पॉजिटिव के लिए फ्रेंड्स मैंने एक अलग से वायर कनेक्ट कर दिया बैटरी लेवल इंडिकेटर में, और इसे मैं स्विच से दूंगा, क्योंकि बैटरी लेवल इंडिकेटर भी पावर कंज्यूम करता रहता है। जब आपको जरूरत होगी तब आप जान सकोगे स्विच ऑन करके क्या मेरी बैटरी चार्ज है या नहीं है। अगर मैं इसे बैटरी लेवल इंडिकेटर में स्विच नहीं लगाऊंगा तो ये आपकी बैटरी डिस्चार्ज कर देगा जब आप इसे चार्ज करके रखोगे। तो इसलिए स्विच से दिया है, आप जान पाओगे कि कितनी बैटरी इसमें चार्ज है या नहीं। फ्रेंड्स 12 वोल्ट हमें तीन जगह देने हैं, तो हमने स्विच में 12 वोल्ट का पॉजिटिव चार्ज में लगा दिया है। तो दोस्तों हमें चार्जिंग के लिए भी पोर्ट देना है, तो चलिए चार्जिंग का देख लेते हैं। यहाँ मैंने IN4007 डायोड यूज़ किया है। फ्रेंड्स इसका ये काम होता है कि पावर आप इसे ले तो सकते हो लेकिन वापस पावर नहीं जाएगी, रिवर्स में पावर नहीं जाएगी, तो इसलिए मैं यूज़ करेंगे। तो इसका हमें इसका तो जरूरत नहीं है, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पिन हम लगाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ हम जो LED का 1K का रेजिस्टेंस है पॉजिटिव उसके कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव होता है मिड का। और डायोड का आप देखो एक सिल्वर कलर का पार्ट है और एक ब्लैक कलर का पार्ट है। ये वाला जो ब्लैक कलर का पार्ट हम उस साइड लगाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से पावर आगे जा तो सकती है लेकिन रिवर्स में नहीं आ सकती। तो इससे बेनिफिट होगा फ्रेंड्स कि इससे पावर रिवर्स में नहीं जाएगी चार्जिंग को। दूसरा फ्रेंड्स LED आपकी जब आप कनेक्ट करोगे चार्जिंग का, तो LED आपकी ब्राइट होगी, बाकी LED सेल से नहीं चली यानी बैटरी से नहीं चलेगी। तो इससे आपको पता लगेगा यहाँ चार्ज हो रहा है, वरना फ्रेंड्स अगर डायोड नहीं लगाओगे तो उल्टा वापस LED आपकी जलती रहेगी बैटरी से ही। और इस जगह फ्रेंड्स हमने पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट कर दिया, जहाँ भी आपको पॉजिटिव दिखे आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हो बैटरी के। तो इस तरह से फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है, और अभी नेगेटिव चार्ज हमें और देना है। अब नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव चार्ज फ्रेंड्स अभी हमें LED को भी नेगेटिव चार्ज देना है। तो नेगेटिव चार्ज देने के लिए फ्रेंड्स हम यहीं से एक ग्राउंड को कट कर लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड एक होता है सप्लाई में, पूरी में एक ही ग्राउंड होता है। और आप इस तरीके से मैंने LED में कनेक्ट कर दिया है। अब आप जानते हो फ्रेंड्स जो बैटरी है हमारी 12 वोल्ट की, ये जो हमने 3 लगाए हैं, इसके दोनों कनेक्शन इसमें जा रहे हैं बैटरी लेवल इंडिकेटर में। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ भी कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव वायर बैटरी लेवल इंडिकेटर में, तो यानी कि डायरेक्ट हमने बैटरी में कनेक्ट कर दिए हैं। इस तरह से फ्रेंड्स कुछ लुक है आप देख सकते हो। तो लगभग हमारा 50% वर्क कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ मैं थोड़ा मार्किंग कर लेता हूँ जिससे आपको माइनस प्लस का अंदाज़ा आए। तो ये आप देख पा रहे हो नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव लाल वाला।
यहाँ आपको एक फीमेल यूएसबी पोर्ट की जरूरत है, क्योंकि इसे पावर एक बनाना है। आप एक लगा सकते हो, दो लगा सकते हो, तो फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। और अभी तो आप नेगेटिव पॉजिटिव का देख सकते हो, इस तरीके से मैंने लगाया है फ्रेंड्स। अभी तो आप इसे लगा सकते हो। आने वाले समय में मैं आपको एक पावरफुल फास्ट चार्जर बना के दिखाऊंगा, जो कि 3805 IC से अलग होगा बिल्कुल। अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये भी फ्रेंड्स काफ़ी हैवी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो इस तरह से आप चार्ज बोर्ड लगा सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ मैंने 3805 IC का यूज़ किया है, और एक IC का नहीं बल्कि 2 IC का यूज़ किया है, क्योंकि 1 एम्पीयर ये आउटपुट देता है। 2 IC लेंगे तो 2 एम्पीयर देगा, और इससे आपका मोबाइल चार्ज हो पाएगा। यहाँ मैंने हीट सिंक का यूज़ किया, हीट सिंक फ्रेंड जरूर लगानी है, हीट होता है, प्रॉब्लम हो सकती है बिना हीट सिंक के। और हीट सिंक थोड़ी हैवी लगाइएगा। तो चलो कनेक्शन देख लेते हैं, जो इसकी मिड पॉइंट है ट्रांजिस्टर की IC के बिल्कुल जो मिड पॉइंट है, तो उस पर मैंने फ्रेंड्स एक जगह कनेक्ट कर लिए हैं। इन दोनों IC को आपको एक जगह ही कनेक्ट कर लेना है। अभी इनपुट के लिए मैं वायर दे रहा हूँ, ये पॉजिटिव इनपुट है। इस तरीके से आप इसे 6 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट तक दोगे तो फ्रेंड्स ये आउटपुट आपको 5 वोल्ट देगा। और इस तरह से फ्रेंड्स इनपुट के वायर मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। अभी मैंने इसमें सिर्फ इनपुट के वायर कनेक्ट किए हैं, जो 2 पिन है लेफ्ट हैंड में, आपको लेफ्ट हैंड से इनपुट देगा और राइट हैंड से आपको ये आउटपुट देता है, आप ये मान के चलिए। तो इससे मैं चेक कर लेता हूँ। तो आपको भी इनपुट इसको देने हैं सीधा 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट मैं सीधा नेगेटिव और पॉजिटिव से बैटरी के कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं कनेक्ट करूँगा फ्रेंड्स स्विच से, क्योंकि स्विच से आप जब चाहो से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो नेगेटिव मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब जो इसका पॉजिटिव है IC का, उसे मैं स्विच से दूंगा। जब आप चाहो तो इसे ऑन कर सकते हो, जब चाहे इसे ऑफ कर सकते हो, क्योंकि ये बैटरी कंज्यूम नहीं करेगा लगने के बाद भी। तो इनपुट तो हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं आउटपुट की तरफ। तो आउटपुट के लिए फ्रेंड्स हमें सेम जो थर्ड लेग है इसकी, उस पर कनेक्ट करना है। ऐसे ही वायर दूसरा सेम, उस पर हमें थर्ड लेग पर कनेक्ट कर लेना है। मैं बताया ना आपको, दोनों IC एक जगह कनेक्ट कर लेनी है। तो ये पैरेलल में कनेक्ट है फ्रेंड्स, और इस तरीके से मैंने मिड पॉइंट भी ले लिया ग्राउंड के लिए। तो अब हमें इसे सीधा USB पोर्ट में लगा देना है, जो आउटपुट इसका निकला 5 वोल्ट DC में आउटपुट देगा। और मैंने आपको कनेक्शन बता दिए थे नेगेटिव पॉजिटिव फीमेल पोर्ट के, आपके समझ, आप दोबारा देख सकते हो वीडियो को बैक जाकर। तो इस तरह से फ्रेंड से कनेक्ट हो चुके हैं, और यहाँ में से डबल सेट टेप से RN से लगा लेंगे। और ये बिल्कुल फिट बैठा है, ईजिली निकलेगा नहीं, और डबल सेट टेप काफ़ी हार्ड होती है, आसानी से छुटती नहीं है। तो इस तरह से हम इसे फिट कर देते हैं, और ये हमारा लगभग पावर का वर्क भी हमारा कम्प्लीट हो चुका। अब यहाँ फ्रेंड्स बैंड स्विच हम यूज़ करेंगे। आप चाहे तो दो जो सा स्विच आपको मिले आप उसे यूज़ कर सकते हो। स्विच का मतलब सिर्फ ऑन ऑफ करना होता है फ्रेंड्स, या कुछ बैंड को स्विच करना होता है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया, और इस जगह से हमें इसे मार्किंग करने के बाद यहाँ फिक्स कर लेंगे। दोस्तों जगह नहीं थी तो मैंने इसे बैंड स्विच को लगाया, वरना मैं दूसरा SP ST स्विच ही लगाता। तो अब जो मैंने बताया ना जोन से चौक की लगा सकते हो। अब फ्रेंड्स इसमें कुछ होल भी करनी है आपको, जिससे कि इसमें थोड़ी हवा का फ्लो होता रहे। और यहाँ फ्रेंड्स 12 वोल्ट का DC मैंने फ़ैन लिया है, 8 mm की LED ली है, जो कि 3 वोल्ट पे 4 वोल्ट वर्क करती है। दोस्तों मैं चाहता तो अलग से लगा सकता था, लेकिन फ्रेंड्स मुझे थोड़ा एडजस्टेबल बनानी थी एमरजेंसी लाइट भी। अब क्योंकि फ़ैन एडजस्टेबल है, इसलिए मैंने एमरजेंसी लाइट फ़ैन पर लगा दी। और हमारा मकसद सिर्फ इससे ब्राइट यानी कि लाइट लेना था, तो इस तरह से मैंने फ़ैन पर लगा दी है। अब ये दो मैंने जो MDF बोर्ड के पार्ट लिए हैं, पीस लिए हैं, आप इसे इस तरीके से फिट कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स हमें एडजस्टेबल बनाना है फ़ैन को। तो इससे काफ़ी बेनिफिट हमारा है, अगर आप नीचे बैठे हो या सामने बैठे हो, आप अपने तरह से एडजस्ट कर सकते हो। और आपने इसे फेक भी होती है, ग्लो होती है, उससे आसानी से यहाँ चिपका लेना है, और इसे फिट हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बात और, जब आप इसे लकड़ी से चिपका रहे हो तो ये अच्छा चिपकेगा, आसानी से हिलेगा नहीं। हमें LED के नेगेटिव पे यानी कि छोटी लेग पर, और LED के पॉजिटिव यानी कि बड़े लेग पर मैंने वायर कनेक्ट कर लिए हैं इस जगह इस तरीके से। और सेम आपको दूसरी LED पे यही काम करना है। मैंने LED को पैरेलल में जोड़ा है, सीरीज में नहीं जोड़ा है। LED के छोटे जो लेग होती है उस पर भी आपको माइनस का जो नेगेटिव वायर है वो भी कनेक्ट कर लेना है ब्लैक वाला, और जो बड़े लेग है दोस्तों वो भी आपको रेड कलर का कनेक्ट कर लेना है इस तरीके से। तो अब आप इजीली से 3 वोल्ट या 4 वोल्ट दे के आसानी से ब्राइट कर सकते हो, और इसको फ़ायदा उठा सकते हो। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया आपको, मैं एक बैटरी 4 वोल्ट लेने वाला हूँ, इसके वही वायर वहीं कनेक्ट होंगे, 12 वोल्ट मत देना है, ऐसे ये फ्यूज हो जाएगी LED। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने वायर को निकाल लिया है, जो कि फ़ैन का वायर थोड़ा छोटा है, इसको मैं अलग से वायर कनेक्ट कर दूँगा। और पहले उसका साइज़ देख लेते हैं किस तरह से फिटिंग होगी इसकी। और इस तरह मैं यहाँ होल कर लेता हूँ, क्योंकि वायर इसके अंदर जाएंगे, तो मैंने होल कर लिया है और वायर को इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका है लगभग। और इसे कंप्लीट करने से पहले फ्रेंड्स आप चाहे तो इसमें टेप भी यूज़ कर सकते हो। तो जो फ़ैन है उसका जो वायर है पॉजिटिव वो थोड़ा छोटा था, तो उस पर मैंने अलग से वायर कनेक्ट कर लिया है। और जो ग्राउंड है, ग्राउंड तो फ्रेंड्स सेम रहता है, तो LED का और फ़ैन का मैंने ग्राउंड का जो वायर है माइनस का वायर है एक जगह कनेक्ट कर लिया है। तो अभी आप देखते हो समझ जाओगे, वो मैंने इस पर PVC टेप लगा दी है। अब दोस्तों ये जो वायर है लाल वाला जो फिर टेपिंग की है, ये तो फ़ैन का है और ये LED का है, ये LED का इन दोनों का।
और जो ब्लैक वायर निकला वो आप जानते हो ग्राउंड, आप इसे लगा सकते हो ग्राउंड में। तो इसे ग्राउंड में कहीं भी लगा देते हैं, इस पर आईसी पे लगा देते हैं या जहाँ भी आपको ग्राउंड दिखे लगा सकते हैं। लेकिन जो एलईडी का और फैन का वायर है फ्रेंड्स, उसे हम अलग जगह कनेक्ट करेंगे, जो कि हम स्विच से देंगे सीधा ऑन ऑफ करने के लिए। तो फैन का जो फ्रेंड्स, आप सीधा स्विच पर लगा सकते हो, जो कि आप स्विच से ऑन ऑफ करोगे, इस जगह मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों एलईडी का जो है उसे मैंने बैंड स्विच से कनेक्ट किया है इस तरीके से, क्योंकि जगह नहीं थी तो मैंने वहाँ बैंड स्विच लगा दिया है। और आप इस तरीके से बैंड स्विच के पिन पर लगा सकते हो। एक बात हो फ्रेंड, इसे सिर्फ आप कुछ 4 वोल्ट देने हैं, यानी कि एक बैंड से कनेक्ट करना है, 12 वोल्ट दोगे तो फ्यूज हो जाएगी एलईडी। इस तरीके से मैंने कनेक्ट करा है और आप इजी से रन कर सकते हो, और काफ़ी आसानी से काफ़ी कई घंटे तक ये रन हो जाएगी। इससे आपको कनेक्ट कर देना है सीधा जो मैंने आपको 4 वोल्ट आउटपुट दिए थे। अब क्योंकि आपको इसे पॉजिटिव भी देना है एलईडी को, तो जो आप मैंने बताया था बोर्ड लग रहे हैं 4 वोल्ट के, वहाँ से मैंने वायर कट करके हल्का सा वहीं से मैंने इसे 4 वोल्ट दे दिए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो दोस्तों इसके कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं लगभग। अब हमें इसे यहाँ पर टेप लगा दें, क्योंकि वायर अच्छे नहीं लगते फैले हुए, तो यहाँ मैं खूबसूरती के लिए यानी अच्छे के लिए टेपिंग कर देता हूँ पीवीसी पाइप के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने लगा दिया है। आप चाहे तो कोई भी फाइबर स्लिप भी लगा सकते हो यहाँ, इससे आपको बेनिफिट भी होगा, क्योंकि ये वायर जल्दी से नहीं टूटे क्योंकि एडजस्टेबल है, थोड़ा हिलेंगे ये। और यहाँ मैंने फेविकोल लगा दिया, आप ग्लूगन लगा सकते हो, ग्लू स्टिक लगा सकते हो, कुछ भी आप चाहो लगा सकते हो। और इस तरह से फ्रेंड मैंने फिट कर दिया है, ये इजीली हट भी जाएगा यहाँ से, क्योंकि फेविकोल आसने छूट भी जाता है। और क्योंकि हमें फ़ैन को भी यहाँ एडजस्टेबल बनाना है, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम अलग से कुछ पीस ले लिए हमने, और इस तरह से हमने 2 पीस यहाँ पे चिपका दिए हैं। अब आप कहोगे सर ये तो छूटेगा भी नहीं, फ्रेंड ईजिली छूट भी जाएगा, ईजिली लग भी जाएगा ये, क्योंकि आप इसे खोल भी सकते हो, लगा भी सकते हो। और एडजस्टेबल के लिए फ्रेंड्स हमें 2 स्टील पेच है, उन्हें लगा देते हैं, इन्हें बॉडी पेच भी कहते हैं, यानी कि स्टील स्क्रू या बॉडी स्क्रू भी ना कह देते हैं। तो ये मार्केट सिर्फ 1 रुपये के 2 मिले हैं मुझे, तो मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, और इसे एडजस्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। ये आसानी से हिलेगा नहीं काफ़ी, क्योंकि लकड़ी में जो वुड में लगा है ये, तो आप सोचोगे यार जब चलेगा तो हिलेगा नहीं, काफ़ी हार्ड लगाया, आसानी से मैं इसे उठा के दिखाऊंगा आपको, और नहीं हिलेगा आसानी से। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप एडजस्ट कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे एडजस्ट करने में, बिल्कुल भी इधर उधर हिला नहीं, और आसानी से अच्छा टाइट ये बिल्कुल एडजस्ट हुआ। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा भी लूज हो तो आप थोड़ा जो स्क्रू है उन्हें टाइट कर सकते हो, और आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो आप इसके फीचर मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिए थे, और ये आपको चार्जिंग पोर्ट है, और ये इंडिकेटर है, आप इसे यूज़ कर सकते हो चार्ज पोर्ट में। ये 3 स्विच हैं जो कि आपको बैटरी इंडिकेटर में, इनमें से एक स्विच ऑन करना होगा, 4 वोल्ट आपको आउटपुट देगा। और फ्रेंड्स स्टार्टिंग मैंने आपको फीचर्स के बता दिए थे, और बता दो फ्रेंड्स अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अभी मैं आपको इससे पावर बैंक यानी कि जो मोबाइल चार्ज है वो भी करके दिखाऊंगा, और बाद में इसका आपको मैं डायग्राम बनाकर भी दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से कनेक्शन किए गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप इसे स्कूल में, कॉलेज में, अपना किचन में, ये ऑफिस में, जहाँ भी आपको चाहे तो आप इसे ले जा सकते हो, सफ़र में, ट्रेवल में आप ले जा सकते हो, और आप इसे डेफिनेटली आसानी से यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इसकी जो एयर है वो भी काफ़ी अच्छी है, मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ चलाकर, तो जिससे आपको अंदाजा है हाँ कि काफ़ी अच्छी एयर है फ्रेंड्स, क्योंकि पीछे से इसका जो फेस है वो खुला हुआ है बैक साइड से, तो ये पीछे से एयर लेकर आपको अच्छी हवा प्रोवाइड करेगा, तो हवा में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको और 1% के लिए काफ़ी अच्छी हवा है फ्रेंड्स, और आप इसे आसानी यूज़ करोगे तो आपको पसीना स्वेट नहीं आएगा। ये आपको इसका पावर बैंक के लिए आउटपुट है, जो फीमेल पोर्ट लगा था 2 एम्पीयर के लिए, और इस तरह से फ्रेंड्स मैंने कनेक्ट कर दिया है। मैंने बताया फ्रेंड्स जल्दी मैं आपको फास्ट चार्जर लेकर आऊँगा, इसमें 3805 IC यूज़ नहीं होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपको जोड़ तो फ्रेंड्स, तो मैं जल्दी से बना दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स चार्ज अच्छा करा, चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इससे बड़ा इसमें बैटरी फिक्स कर सकते हो, इसका थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा, अभी मैंने फिलहाल 3 बैटरी इसमें लगाई थी, अब ज़्यादा बैटरी लगाओ तो ज़्यादा चल जाएगा, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने हिसाब से साइज़ बढ़ाकर इसका आप इसमें 5 में से कुछ भी चीज़ में बना सकते हो, वीडियो में कंप्लीट आपको नॉलेज या कंप्लीट सोल्यूशन इसका दिया गया है। तो थोड़ा फ्रेंड्स मैं आपको इसका नाइट मोड भी दिखाऊंगा, इससे आपको पता लगे कि नाइट में ये एलईडी कितना ब्राइट देती है, काफ़ी अच्छा रोशनी देती हैं, और आप इसे आसानी से रात में भी यूज़ कर सकते हो। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप इससे सिर्फ एक चीज़ यूज़ करो, आप इसकी 5 चीज़ 4 चीज़ एक साथ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि स्विचेस में दिए गए हैं, और आप आसानी से सारे का बेनिफिट ले सकते हो। अभी मैं आपको इसके आउटपुट दिखा देता हूँ, जो कि मैंने 4 वोल्ट लिखे। बैटरी फ्रेंड्स फुल चार्ज होती है, आउटपुट 4 वोल्ट देती है, फिलहाल बैटरी कम है, 3.80 है, अभी फुल चार्ज ही मानी जाएगी अप्रोक्स, यानी कि 80% मानी जाएगी, और आप इसे आसानी से 4 वोल्ट आउटपुट ले सकते हो। तो दोस्तों इसका नाइट टेस्टिंग है, तो चलिए देखते हैं नाइट में कितना अच्छा ये ब्राइट करती है। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा ब्राइट करती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप इजीली वर्क कर सकते हो इसमें 2 LEDs में, और आप चाहो तो अपने हिसाब से 4 LED यानी कि इंक्रीज कर सकते हो LED की नंबर,
तो इससे कि आपको ज़्यादा रोशनी मिलेगी और बैटरी फ्रेंड इतनी जल्दी कंज्यूम नहीं करेगा, जो 18650 बैटरी होती है वो काफ़ी अच्छी चलती है। तो चलिए फ्रेंड थोड़ी सी कनेक्शन देख लेते हैं। ये तीन बैटरी फ्रेंड्स आप जानते हो नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव में इस जगह कनेक्ट कर दिए हैं, तीनों को सीरीज में मैंने कनेक्ट कर दिया है आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये तीनों बैटरी मिलकर अप्रोक्स 12 वोल्ट बनाएंगी और ये इसका जो वोल्ट निकले फ्रेंड्स ये 12 वोल्ट इसका आउटपुट निकले पॉजिटिव और नेगेटिव। और दोस्तों आप किसी भी एक बैटरी में से कनेक्ट कर सकते हो, एक बैटरी अप्रोक्स 4 वोल्ट देती है तो आपको यहाँ LED कनेक्ट करनी है जो 4 वोल्ट मैंने निकाले हैं और यहीं पर आपको 4 वोल्ट आउटपुट के लिए मैंने नेट वोल्ट में जो वायरिंग आपको की थी वो भी निकाले हैं। तो यहाँ पर आपको कनेक्ट हो गया 4 वोल्ट भी आपको निकल गए, यहाँ आपको LED कनेक्ट कर देनी है और 12 वोल्ट भी आपको निकल गए। अब देखते हैं फ्रेंड्स फैन के लिए, तो जो हमने 12 वोल्ट का फैन लगाया था इसे हमने नेगेटिव पर 12 वोल्ट में कनेक्ट किया स्विच लगाकर, जो SPST स्विच है उसे कनेक्ट किया है हमने सीधा बैट फैन से। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये रन करेगा और आप इजीली कनेक्ट कर सकोगे और आप इसे ऑन ऑफ कर सकोगे स्विच से। अभी दोस्तों ये थोड़ा IC इसको देख सकते हो 2805 IC दो लगाए मैंने और दोनों को मैंने सीधा पैरेलल में लगाया है। तो इस तरह से आप देख पाते हो फ्रेंड्स जो फर्स्ट लेग है उसको हमने डायरेक्ट फर्स्ट लेग से दूसरे से कनेक्ट कर देना है, फर्स्ट लेग को सेकंड IC को फर्स्ट लेग से ही कनेक्ट किया है। इसी तरीके से जो दूसरी IDC ग्राउंड है उसको भी हमने कनेक्ट किया है, जैसे ये आप देख पा रहे ग्राउंड है इसको भी हमने सीधा ग्राउंड से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो हमने सीधा जो वायर है उस पर कनेक्ट कर दिया है और जो थर्ड वायर थर्ड कनेक्ट कर दिया है। अब जो दो लेग होती है स्टार्टिंग की इसकी वो इनपुट होती है 12 वोल्ट के लिए। अब आपको इनपुट दे देने हैं 12 वोल्ट प्लस जो फर्स्ट है प्लस और बीच की नेगेटिव, और ये फ्रेंड्स दोनों जो लेग होती हैं ये इसकी आउटपुट होती हैं 5 वोल्ट के लिए, ये दोनों लेग हमें 5 वोल्ट आउटपुट देंगी। तो फ्रेंड इस तरीके से वर्क करेगा ये। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो आपको कैसी लगी और जो भी आपके समझ में नहीं आया प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट से कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच मुझे इतना वक्त देने के लिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।